सो दोस्तों, अभी आप एक शेयर देख सकते हो ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड। और जैसा कि मैंने आप लोगों को थोड़े दिनों पहले बताया था कि भाई कंपनी अपने उसी लेवल पर वापस आ चुकी है जहां से थोड़ा बहुत बाउंस बैक कर सकती है। अब जैसा कि यहां पर आप देख सकते हो, कंपनी बढ़ी थी 20 से 30% तक, बढ़ी थी 35 के रेंज के बाद, लेकिन उसके बाद फिर से एक अच्छा खासा करेक्शन देखने के लिए मिला। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 30% तक बढ़ गई, फिर दोस्तों अच्छा खासा करेक्ट हो गई। अभी हो सकता है दोस्तों कंपनी और ज़्यादा बढ़े, कम से कम आप लोगों को 50 तक के मिनिमम टारगेट दिखाए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी हम थोड़ी देर में देख लेते हैं, क्योंकि कंपनी के अंदर अच्छी खासी बल्क डील और ब्लॉक डील देखने के लिए मिली है। और इसी के साथ साथ थोड़े दिनों पहले आप देख सकते हो कंपनी बिल्कुल ही कंसोलिडेशन फेज़ में थी, और हो सकता है ये अभी भी कंसोलिडेशन फेज़ ही चल रहा हो, लेकिन बस ये थोड़ा बहुत कंपनी ऊपर नीचे हो रही है। लेकिन फिर भी मेन बात यही है, कंपनी थोड़े दिनों में बाउंस बैक करेगी। इसके अलावा कंपनी कभी ASM GSM लिस्ट में नहीं चल रही है, कंपनी के अंदर वॉल्यूम इंक्रीजिंग देखने के लिए मिली है, लेकिन कोई बल्क ऑर्डर देखने के लिए नहीं मिला है। लास्ट टाइम जो भी देखने के लिए मिला था वो सितंबर महीने के मंथ में देखने के लिए मिला था, जैसे दोस्तों राजेश गोइंका की तरफ से 1,00,000 क्वांटिटी की बाइंग देखने के लिए मिली थी, और बाकी सेलिंग ऑर्डर भी देखने के लिए मिले थे, जिसकी वजह से शेयर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज था सितंबर और अप्रैल के मंथ में। अप्रैल के महीने में आप देख सकते हो दोस्तों इतनी अच्छी खासी बल्क ऑर्डर्स देखने के लिए मिले हैं जिन्होंने अभी तक एग्जिट नहीं लिया है, और बाइंग देखने के लिए मिली है AKJ फाइनवेस्ट लिमिटेड की तरफ से। अब ये जो डाटा है ये आप लोगों को BSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने के लिए मिलेगा, बाकी ट्रेंड लाइन वगैरह पे भी देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से वो बल्क ऑर्डर नहीं होते हैं। बल्क ऑर्डर्स वही होते हैं जो कि वेबसाइट्स पर रिफ्लेक्ट कर जाते हैं ऑफिशियल वाली पे। बाकी चाहो तो आप ट्रेंड लाइन पे भी देख सकते हो पल पल का डाटा, लेकिन जो बल्क ऑर्डर्स चल रहे हैं वो यही कुछ चल रहे हैं। बाकी कंपनी थोड़ा बहुत यहाँ पर बढ़ ही रही है, और शॉर्ट टर्म में आप लोगों को टारगेट भी दिखा सकती है अच्छे खासे 50 से 60% तक का। बाकी कंपनी का चार्ट आप देख सकते हो दोस्तों किस हिसाब से चल रहा है, कंपनी उसी लेवल पर बार बार चल रही है, ऊपर नीचे हो रही है। अभी इस लेवल से दोस्तों थोड़ा सा भी नहीं उठी है, जब इस लेवल से थोड़ा सा उठेगी तब आप कह सकते हो कि भाई कंपनी 50 तक के आप लोगों को टारगेट दिखा पाएगी। क्योंकि भाई बहुत टाइम से मैं एक चीज़ देख रहा हूँ यार, 6 महीने से कंपनी सेम ही फील्ड पर रह रही है, मतलब इससे तो ऊपर जा ही नहीं रही, थोड़ा बहुत ऊपर जाती है फिर एक डाउनफॉल देखने के लिए मिलता है और फिर कंपनी वहीं पर आ जाती है। बाकी आप लोगों को क्या कहना है दोस्तों इस कंपनी से रिलेटेड, ये बात कमेंट कर जरूर।